हे एवरीवन, जय जगन्नाथ। स्वागत करती हूँ मेरा यूट्यूब चैनल को। भगवान की कृपा से आप लोग ठीक होंगे। चलो आज बनाते हैं गोभी और पटाटो बड़ा। ये बड़ा बनाने के लिए मैं एक स्मॉल साइज़ का गोभी ली हूँ और काट के उसको पानी में डाल के रखी हूँ। उसको अभी ग्रेट कर चुकी हूँ। पैन अभी हमारा गर्म हो चुका है। मैं 2 से 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ। उसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा ऐड कर रही हूँ। जीरा हमारे यहाँ गर्म हो चुका है। मैं अभी 2 मीडियम साइज का ओनियन ली हूँ, बारीक से कटा हुआ। अभी ऐड कर लेते हैं क्रॉस्ट किया हुआ 1 इंच जिंजर और 5 क्लोव्स गार्लिक। ये सबको थोड़ी देर तक अभी फ्राई कर लेते हैं, गार्लिक और जिंजर का स्मेल जाने तक। ये देख सकते हो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन आ चुके हैं हमारा ओनियन। मैं अभी ग्रेट किया हुआ गोभी डाल रही हूँ। 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं, इसका रॉ स्मेल चला जाए। 5 मिनट हो चुके हैं। मैं यहाँ पे एक आलू ली हूँ बॉईल किया हुआ, उसको मैश करके ली हूँ। अब ऐड कर लेते हैं, इसमें सब स्पाइसेस डाल लेते हैं। मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून टर्मेरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून काश्मीरी चिली पाउडर, 1/4 टी स्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1/4 टी स्पून चिली फ्लेक्स। ये सबको अच्छे से मिला लेते हैं। अभी मैं ऐड कर रही हूँ 25 ग्राम का क्रस्ट पीनट। ये सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं और गैस का फ्लेम बंद कर लेते हैं। बड़ा के लिए हमारा स्टफिंग रेडी हो चुका है। इसको 30 मिनट के लिए कूल कर लेते हैं। बड़ा का बैटर बनाने के लिए मैं यहाँ पे 150 ग्राम का बेसन ली हूँ, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट ली हूँ, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून काश्मीरी चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गर्म मसाला। ये सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिला लेते हैं। ये बैटर को ज़्यादा मोटा नहीं करना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। बैटर का कंसिस्टेंसी देख सकते हो, ऐसे ही रहना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं है। चलो अभी स्टफिंग के हेल्प से फ्लैट जैसे बॉल बना लेते हैं। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के करना है, मैं जैसा बना रही हूँ वैसे करना। ये स्टफिंग बॉल को ऐसे बैटर में डुबाना है और ऑयल में धीरे से डालना है, केयरफुली एक साइड में ही डालना है। मैं जैसे अच्छे से इसको डिप कर रही हूँ, डिप करके इसे साइड में डालना है। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है। बड़ा फ्राई होते यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं। एक साइड से अच्छे से हो चुका है, मैं उसको पलट लेती हूँ। बड़ा भी दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। मैं इसको निकाल रही हूँ पेपर के ऊपर, आप चाहे तो टिश्यू पेपर भी रख सकते हो। चलो देखते हैं इसका फाइनल लुक कैसा है। देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है, ये बहुत सॉफ्ट भी हुआ है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।